वेलकम टू माय चैनल में आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप पर कौन नज़र रख रहा है। ओके व्यूअर्स, क्या कोई ऐसा है जो आप लोगों को स्टॉक कर रहा है, आपका सीक्रेट एडमायरर है? तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ मैच नहीं होगी, लेकिन इसमें सबके लिए कुछ कुछ परसेंट मैसेज ज़रूर होंगे और काफ़ी लोगों से एक्यूरेटली कम्प्लीटली मैच करेगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप तक ये वीडियो जब भी पहुंचती है या आप इस वीडियो तक जब भी पहुंचते हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है और हर सिचुएशन के लिए है, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट में हैं, ये हर सिचुएशन पर रेजोनेट करेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, देन आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ओके? क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ और इंट्यूटिव मैसेज चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ रीडिंग के दौरान। ये किसी भी रीडिंग में, हर रीडिंग में प्रोवाइड कर सकती हूँ। जैसे ही मुझे चैनल होता है कोई मैसेज, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, ओके? तो मैं चाहती हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मिस ना कर सकें। तो चलिए गाइज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप पर कौन नज़र रख रहा है। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लूंगी, ओके? चलिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है, वो सेवन ऑफ पेंटिकल्स का है व्यूअर्स। हाई प्रीस्टेस, ओके, द सन, वेरी गुड। चलिए इन सभी कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। यही एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कि है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। द एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस एंड एम्प्रेस, ओके ओके व्यूअर्स, फिर सन को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स। जब हमने नाइट ऑफ सोर्ड्स को अनफोल्ड देखा था तब हमने एस ऑफ पेंटिकल्स को भी देखा था, पर पिक नहीं किया था, तो वो अपने आप आ गया रीडिंग में, ओके? और एनर्जी ऑफ डेक इज एस ऑफ कप्स। तो गाइज, एस की तो दो काफी एनर्जी है यहाँ पर, और ये जो भी आपका सीक्रेट एडमायरर है या जो भी आपको स्टॉक कर रहा है, आप पर नजर रखे हुए है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है व्यूअर्स, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है और इसके नीचे टेन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, विच शोज कि ये जो पर्सन है वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है व्यूअर्स, आपको बहुत पसंद करता है और आपको बहुत प्यार करता है, ओके? अनकंडीशनल लव दिख रहा है मुझे यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। गाइज, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, पहली बात तो ये कि ये आपको कुछ भी शो नहीं करेगा कि ये आपसे क्या फील करता है। आपको अगर बाद में कभी पता भी चलता है कि ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए फील करते हैं या जो भी है, वो आपको पता लगेगा तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि ये पर्सन कैसे, इनका तो मैं सोच भी नहीं सकती तो ये आपके लिए फील कर रहे हैं, लेकिन आपको कम्प्लीटली कुछ भी शो नहीं करते, बहुत ही मिस्टीरियस हैं, कुछ भी कन्फेस नहीं किया है अब तक, आई एम 100% श्योर। और ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको दिखाते हैं कि वो बिल्कुल इमोशनल नहीं है और काफ़ी मिस्टीरियस हैं, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताते नहीं हैं, ओके? ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी समय से हैं, ऐसा नहीं है कि ये दो तीन महीने पहले ही आए हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हों, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि तीन साल से और एक महीने के बीच में, तीन साल, दो साल, एक साल, कुछ महीने, एक महीना, ऐसे बीच में ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं और ये काफ़ी पेशेंट हैं इस बात को लेके, यानी कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी पेशेंट हैं इस बात को लेके, उन्हें कोई जल्दी नहीं है आपको बताने की कि वो आपको एडमायर कर रहे हैं या आपको फॉलो कर रहे हैं, आप पर ध्यान दे रहे हैं, वो काफ़ी काम है, काफ़ी उनकी पीसफुल एनर्जी है, ओके? पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि या तो आप किसी को पहले से ही चाहते हैं, या आप किसी के साथ पहले से ही रिश्ते में थे, या आपका अगर कोई रिश्ता टूटा था जिसको लेके आप दुखी थे, तो उस बात को लेके ये जो पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये काफ़ी निराश हैं उस बात को लेके, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी कोई जगह नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। अब अगर वो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस कर भी देंगे
तो आप फिर भी उनको वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि वो ये सोच कर बैठे हैं कि ये क्या हो गया, ये तो पहले से ही किसी और के प्यार में है या ये पहले से ही किसी और में इंटरेस्टेड हैं। तो इस बात को लेकर थोड़े डिसअपॉइंटेड ज़रूर हैं, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने जैसे भी, देखिए प्यार तो अपने आप होता है, तो उन्होंने जाने अनजाने अपनी फीलिंग्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दी, और अब वो आपको शो करते हैं कि उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जब यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स मिलने वाला ही नहीं है, तो मैं अपने इमोशंस क्यों दिखाऊँ, मैं ऐसे ही शांत पीसफुल ऐसे ही खुश हूँ, ऐसा वो सोचते हैं, पर आपको स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है कि उनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें, ये परिणाम की चिंता ना करें कि आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको गुस्सा आएगा या आपको प्यार आएगा, ये सब की चिंता ना करते हुए आपको डायरेक्ट जाके कन्फेस कर दें, आपको अपना लव का ऑफर दे दें और आपको सच सच बता दें कि वो कब से आपको पसंद करते हैं, और सारी बातें आपको क्लियरली कन्फेस कर दें। उनका मन बहुत बार करता है ऐसा, लेकिन बस वो वही सोच कर रुक जाते हैं कि आप उन्होंने इतनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करी हुई हैं आपके ऊपर, और आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो उनका और भी क्या होगा, और भी निराश हो जाएंगे वो, और भी दिल टूट जाएगा उनका, तो आपको आके बोलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका दिल पहले ही कहीं और लगा हुआ है। यहाँ पर गाइज ऐसा लग रहा है कि वो आपकी केयर बहुत करते हैं। जो एम्प्रेस का कार्ड है, वो ये बता रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपसे अट्रैक्टेड है, नहीं गाइज, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक एक तरफा प्यार है, और वो आपसे इतना प्यार करते हैं, और वो एक तरफा है तो उन्होंने दोनों जनों का प्यार कर लिया है। ठीक है, जब दोनों तरफ से प्यार होता है तो दोनों लोग इक्वल प्यार करते हैं, लेकिन एक तरफा प्यार में एक इंसान दो लोगों का प्यार इकट्ठा कर लेता है। तो आपके पर्सन ये जो हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, इन्होंने आपसे बहुत प्यार कर लिया है, और व्यूअर्स ये आपकी बहुत केयर करते हैं, जैसे कोई किसी की पेरेंट्स केयर करते हैं, या कोई किसी की बड़े बड़े भाई बहन या बड़े कोई बड़े एल्डर होते हैं हमारे, केयर करते हैं, ऐसे ही आपकी केयर भी बहुत करते हैं। इन्हें आपकी चिंता भी बहुत लगी रहती है कि यार ये कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं, ये कहीं डिप्रेस ना हो जाएं, ये कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा लें, ये किस जिसके चक्कर में ये परेशान हो रहे हैं, कहीं वो इंसान इन्हें और दुख ना दे दे, तो ये आपकी फिक्र भी बहुत करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं। आपको शो नहीं करते होंगे कि वो उनके अंदर कितने इमोशंस हैं या वो क्या फील करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, बहुत मिस्टीरियस रहते होंगे, लेकिन जब बात आपकी होती होगी तो वो आपसे बातें भी करते होंगे, आपकी केयर भी करते होंगे, आपको कहीं कहीं हिंट मिल जाता होगा कि ये पर्सन आपकी केयर करता है, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी है उनकी। ठीक है, आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार भरा हुआ है गाइस। एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि वो अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, और टेन ऑफ पेंटिकल से आगे तो ये है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचते भी हैं, सपनों की बात है वो, कि वो इमेजिन करते हैं आपके साथ, विजुअलाइज करते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो, उनकी फैमिली हो, आप लोगों के एक हैप्पी फैमिली हो, बच्चे हो, आप लोग खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करें, तो ऐसा वो आपके साथ इमेजिन ज़रूर करते हैं, क्योंकि और वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। यानी कि गाइज ये ऐसे पर्सन हैं जो आपके पीठ पीछे भी एक पल के लिए भी किसी से आपकी बुराई नहीं सुनेंगे। अगर आपके पीठ पीछे आपके ये जो पर्सन हैं जो स्टॉक कर रहे हैं आपको, अगर इनसे ये जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर इनसे आपकी कोई बुराई करे, आपकी कोई खामियां गिनाए, तो ये फौरन जवाब दे देंगे कि देखिए आप बताइए मत मुझे कि कौन सही है कौन गलत है, कौन किस में क्या बुराइयां हैं किस में क्या अच्छाइयां हैं, ये जवाब दे देंगे, ये आपके बारे में गलत भी नहीं सुन सकते, क्योंकि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको होप्स बहुत हैं, उनको ये सब दिखता है कि आप कहीं और इंटरेस्टेड थे, आपका मन कहीं और लगा था, बहुत देर हो चुकी है, फीलिंग्स नहीं कन्फेस कर सकते, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन उनको फिर भी होप्स बहुत हैं। और मैं आपसे कहूँगी कि इस सिचुएशन में गाइस बहुत ज़्यादा स्कोप है भी, उनको जो होप है वो सही होप है, क्योंकि यहाँ आगे आप लोगों का फ्यूचर है। मुझे लग रहा है कि आप जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आप जिस भी टेरिबल रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, जो आप डिजर्व करते हो ट्रीटमेंट, वैसा ट्रीटमेंट वैसा बिहेवियर नहीं मिल रहा था, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आगे सन का कार्ड है, ये पर्सन आगे गाइज आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएंगे, आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो भी आप हीलिंग के बाद अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे, वो चेंज यही होगा कि गाइज आपकी तरफ ये पर्सन हैप्पीनेस लेकर आएंगे। ठीक है, आपको सब तरीके की खुशियाँ देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी देंगे, आपको सेटिस्फाइड फील करवाएंगे, और ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत स्कोप है व्यूअर्स, और उनके अंदर बहुत होप्स भी हैं, वो बहुत बिलीव करते हैं यूनिवर्स पे कि एक ना एक दिन तो वो आप उन्हें मिल ही जाओगे, चाहे वो देर से कन्फेस करें या देर से आपको फील होना शुरू हो उनके लिए, लेकिन आप एक दिन उनके लिए फील तो ज़रूर करोगे, और ऐसा ज़रूर होने वाला भी है गाइस। जैसे ही आप मूव ऑन करते हो, रियलाइज़ करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे उस इंसान के साथ रहना चाहिए जो मुझे प्यार करता है। ठीक है,
जो मुझे इतनी वैल्यू करता है, इतने पेशेंटली मेरा वेट कर रहा है। क्योंकि ये सन का कार्ड जो है ना, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, हैप्पीनेस आएगी, अबंडेंस आएगी, ये साफ साफ पता लग रहा है कि एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे वो आपको, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, एक शादी का ऑफर या एंगेजमेंट का ऑफर या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, यू नो, कमिटमेंट जो होता है, एक सॉलिड कमिटमेंट वो आपको ऑफर करेंगे वो। और वही सॉलिड कमिटमेंट आपके जीवन में, यू नो, हैप्पीनेस लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा, जिसकी वजह से आप टॉक्सिसिटी से फ्री हो चुके होंगे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पर ये है। ओके, यहाँ पर हम चेक भी करेंगे कि पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले हम कुछ यहाँ से मैसेजेस ले लेते हैं, क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग को। ओके, यहाँ पर तीन कार्ड चाहिए थे गाइस, और तीनों कार्ड्स आए हैं। मैं तीन कार्ड्स ही लेती हूँ और तीन कार्ड्स ही आए हैं डायरेक्ट, तो हम इनको चेक करेंगे। ओके ओके, तो गाइस देखिए, आपके पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए साफ कार्ड आया है। देखिए पहला कार्ड जो है वो है रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, यानी कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो रोमांटिक फीलिंग्स हैं, वो रियल फीलिंग्स हैं। मैंने कहा ना, आपकी तरफ कोई दिखावा नहीं है या अट्रैक्शन नहीं है, वो रियल फीलिंग्स हैं उनके अंदर आपके लिए, और वो आपको कह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्थ हैं, वर्थ एक्सप्लोरिंग, यानी कि इतनी वैल्यू है इन फीलिंग्स की, ये फीलिंग्स इतनी हाई हैं कि उन फीलिंग्स की ना ऐसे इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, उन फीलिंग्स की भी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो इस बात को रियलाइज़ करते हैं वो कि वो आपको जेन्युइनली फील करते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे लिखा है लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो देखिए व्यूअर्स, ऐसा है कि आप लोग जो हैं वो, मैंने कहा ना कि किसी और के दर्द में थे, किसी और को याद कर रहे थे, किसी ने आपको हर्ट किया था, हो सकता है आप किसी और के साथ रिश्ते में थे जो थोड़ा टॉक्सिक था, या आपको चीटिंग मिली, या आप जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला, आप काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत थी आपको। तो इस हीलिंग की ही बात यहाँ पर आई है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि पहले आप अपने आप को प्यार करिए व्यूअर्स, तभी आप इन्हें भी प्यार कर पाएंगे, तभी आप इनकी फीलिंग्स भी समझ पाएंगे जब आप अपने आप को पहले प्यार करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, आप किसी के लिए ज़्यादा, यू नो, अपने आप को दुखी मत करिए, अपने आप को वीक मत करिए। तो पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, तभी आपकी लाइफ में ये सारी हैप्पीनेस आएगी, और ये पर्सन भी आपकी तरफ तभी आएंगे जब वो देख पाएंगे कि अब आप पुराने रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, वरना वो आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप उन्हें रिजेक्ट ही करने वाले हैं, तो जाने का फ़ायदा क्या। यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है ये कहता है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो यहाँ पर ये है कि ये जो है आपकी तरफ स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने कहा ना कि ये डेस्टाइंड कनेक्शन है कि वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आएगी, और ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ये पर्सन लेकर आएंगे, यानी कि आपको ऑफर देंगे, आपको खुश करेंगे और एफर्ट्स लेंगे आपके लिए। अब तक गाइस अगर आपने दूसरों के लिए एफर्ट्स लिए हैं तो ये आपके लिए एफर्ट्स लेंगे, ठीक है। तो ये सब गाइडेड है। चलिए देख लेते हैं कि ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। This is called shuffling. ये दो कार्ड्स है, नहीं एक है। ओके व्यूअर्स, चेक करते हैं कि पहला क्या मैसेज है। पहला मैसेज है, क्या सिर्फ पास रहने से ही प्यार साबित होगा। तो गाइज, हो सकता है कि ये जो पर्सन है जो आपको स्टॉक करते हैं, ये फिजिकली आपसे दूर रहते हैं और ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हों। हो सकता है कि आपको ऑनलाइन ही मिले हों। ओके, आपकी इनसे ऑनलाइन बातें हुई हों, इन्होंने आपको ऑनलाइन काफ़ी स्टॉक किया है, स्टॉक करते हैं। तो ऐसा है कि ये कहते हैं ना कि क्या सिर्फ पास रहने से प्यार साबित होगा। तो हो सकता है आपके बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, ये दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री, दूसरे स्टेट, दूसरे गाँव, या दूसरे, यू नो, टाउन में रहते हों, कहीं भी रह सकते, दूसरी स्टेट में होंगे। मैजिकल आई कॉन्टैक्ट, तो व्यूअर्स ऐसा ज़रूर होगा कि आपका कभी इन पर्सन से वीडियो कॉल में, या कभी रियल टाइम आपका इनसे कोई आई कॉन्टैक्ट हुआ होगा, इन्होंने आपकी आंखों में देखा होगा, आपने इनकी आंखों में देखा होगा, और यू नो, वो खो गए आपकी आंखों में देख के। जैसे ही उन्होंने आपकी आंखों में देखा, उन्होंने ये बात फील करी कि कुछ मैजिक सा हुआ,
कुछ एक मैग्नेटिक पुल फील किया उन्होंने आपकी तरफ, और वो कह रहे हैं कि वो आई कांटेक्ट मैजिकल था, या आपकी आंखें उन्हें बहुत पसंद होंगी, आपकी आंखें देखकर उनको यू नो एकदम प्रसन्नता होती होगी, एकदम आनंद आता होगा, तो वो कहते हैं कि मैजिकल आइज हैं आपकी, अब चाहे आप मेल हों या फीमेल हों। ओके व्यूअर्स, ये जो अगला कार्ड है ये कहता है वी विल बी टुगेदर अगेन। ओके, तो आपके पर्सन अगेन कह रहे हैं, और ये अगर आपके पास्ट, ये आपके इनके संग आपका रिलेशन नहीं रहा है तो ये हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है व्यूअर्स, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है वी विल मीट टुगेदर अगेन, यानी कि हम लोग दोबारा मिलेंगे या हम लोग दोबारा साथ होंगे। वी विल बी टुगेदर अगेन, यानी कि दोबारा का मतलब आप पास्ट लाइफ में भी साथ रह चुके हैं, आप सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि इन्होंने कई बार आपको ऐसा बोला हो कि नहीं मैं नहीं पसंद करता आपको, या मुझे नहीं है आप में इंटरेस्ट, नहीं, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, तो इन्होंने आपसे झूठ बोला है कई बार कि वो आपके लिए कोई फील नहीं करते, और वो उन्हों अब उनको रिग्रेट हो रहा है। मैंने कहा है ना काफ़ी डिसअपॉइंटेड है अब, क्योंकि उन्होंने आपकी अपनी फीलिंग्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दी हैं, और अब वो कुछ कह भी नहीं सकते आपसे, तो वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने तुमको झूठ बोला है, बताया नहीं है, छुपा के रखा अपनी फीलिंग्स को। ओके, तो ये वो पर्सन है जो आपको यू नो व्यूअर्स स्टॉक कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है व्यूअर्स कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको 11-11 दिखता होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी यहाँ पर यू नो स्पिरिचुअल दिख रहा है ये कनेक्शन, हो सकता है ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन ही है, तभी इतना यहाँ पर 11-11 एनर्जी मुझे लग रही है। ओके व्यूअर्स, ये जो हैं पर्सन, ये हो सकता है इनका कोई बिजनेस हो, इनका यू नो कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, या इनका बिजनेस कोई फैमिली बिजनेस हो। ओके, तो ऐसा लग रहा है बिजनेस बिजनेस हो सकता है इनका, या ये मेडिकल लाइन से भी हो सकते हैं, या ये भी इनकी तबीयत खराब हुई होगी रिसेंटली, या इनके घर में किसी की तबीयत खराब हुई होगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आपके लिए गाइस बहुत इम्पल्सिव हैं ये, यानी थोड़ा पजेसिव भी हैं आपके लिए, अच्छा नहीं लगता कि आप किसी और के लिए रोते रहते हैं। तो गाइस ये हैं वो पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। इनका नाम ए से हो सकता है, एस से हो सकता है, बी से भी हो सकता है, आर से भी हो सकता है, पी से हो सकता है, एन एन से हो सकता है इनका नाम, एल एल से भी हो सकता है इनका नाम, एच एच से भी इनका नाम हो सकता है। टी से हो सकता है इनका नाम। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं, ये दे वॉन्ट टू किस यू व्यूअर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में किस हो रही है, यू कैन सी दैट किसिंग की काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी आई है तीनों कार्ड्स में। यहाँ पर भी देखिए इन दोनों में किस हो रही है, इफ़ यू कैन सी, आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करिएगा आपको क्लियरली दिखेगा, यहाँ पर भी किस हो रही है एंड यहाँ पर भी ये किस कर रहे हैं चीक्स पे। तो गाइस मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको बहुत स्टॉक करते हैं, वो आपकी ब्यूटी से, आपकी जो भी पर्सनैलिटी है उससे काफ़ी ज़्यादा मेसमराइज्ड हैं, काफ़ी अमेज्ड हैं, और वो आपको किस करना चाहते हैं। ओके, तो ये हैं जो आपको स्टॉक करते हैं। ये रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है, आपको मैच हुई है, तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट, ये क्या एक्यूरेटली मैच हुई है ये भी बताइएगा। ओके, और गाइस मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज चैनल, मैसेज चैनल सॉन्ग्स भी प्रोवाइड करती रहती हूँ,
तो आप कोई रीडिंग मिस ना करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूअर्स, सारी रीडिंग देखा करिए क्योंकि चैनल मैसेज और इंट्यूटिव मैसेजेस होते हैं वो किसी भी रीडिंग में किसी भी वक्त में देती हूँ, तो कुछ प्लान तो होते नहीं है, तो आप प्लीज़ रीडिंग्स मिस मत कीजिएगा। ओके, और मुझे कमेंट करके बताइएगा अपने एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग, जो भी आपको लग रहा है ये कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके हील होने का वेट कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा व्यूअर्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।